एक सज्जन की पत्नी मर गई तो मैं भी गया। वहां मैंने देखा कि मोहल्ले के लोगों ने समझा रहे हैं कि आत्मा तो अमर है। एक सज्जन बहुत ही समझा रहे थे, बड़े श्लोक वगैरह उद्धरण दे रहे थे और बड़ी प्रमाणिकता से सिद्ध कर रहे थे कि आत्मा तो अमर है। अरे गीता में लिखा हुआ है, नहन्यते हन्यमाने शरीर है, आग जलाती नहीं, शस्त्र छेदते नहीं, शरीर कट जाए आत्मा नहीं मरती। तो मैंने कहा कि इनको तो ज्ञान उपलब्ध हो गया मालूम होता है। संयोग की बात, 2 साल बाद उनकी पत्नी मरी तो मैं उनके घर गया, वो रो रहे थे। मैंने कहा अरे तुम और रो रहे, नहन्यते हन्यमाने शरीर है, भूल गए। उन्होंने मुझे बड़े गुस्से से देखा, वो मुझसे कहने लगे भाई अभी विवाद ना छेड़ो, अभी मैं मुसीबत में पड़ा हूं, तुम विवाद खड़ा कर रहे। और थोड़ी देर में मैं वहां बैठी था कि वो सज्जन आए जिनकी पत्नी पहले मर चुकी थी, वो भी समझाने लगे कि भैया क्यों रो रहे हो, अरे देह तो आती जाती है, आत्मा का ना कोई जन्म ना कोई मृत्यु। मैंने कहा मालूम होता आपकी पत्नी जब से मरी आपको ज्ञान उपलब्ध हो गया, तब तो आपकी हालत खराब थी, ये ज्ञानी थी, अब इनकी हालत खराब, आप ज्ञानी, दोनों मुझ पे नाराज। यहां सांत्वना के खेल चल रहे हैं, यहां एक दूसरे के घाव पे मलहम पट्टी की जाती है, यहां कोई सत्य बोलेगा तो अप्रिय होने वाला है।